जनपद में मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 145 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएचसी, पीएचसी सहित 115 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 प्राइवेट हॉस्पिटल भी टीकाकरण में शामिल है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 15,000 टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को 13,000 टीकाकरण किया गया। सीएमओ ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का पालन करें तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जनपद में कितने केंद्रों पर टीकाकरण? हमारे जनपद में पूरे 145 केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है, उसमें से 115 हमारे सरकारी संस्थानों में चल रहा है, जिसमें हमारी जिला अस्पताल, पुरुष, महिला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारी 20 अर्बन पीएससी पर चल रहा है, हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और एडिशनल छोटी पीएससी पर भी केसेस टीकाकरण चल रहा है। तो टोटल मिलाकर हमारे यहाँ जिले में आज के दिन 145 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। टीका उत्सव भी चल रहा है? जी हाँ, टीका उत्सव जो है 11 तारीख से शुरू हुआ है और 14 तारीख तक चलता रहेगा। अब कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टीकाकरण किया, उसमें से 13,000 से ज़्यादा हम लोग टीकाकरण किए हैं। आज भी हमारा 15,000 से ऊपर टीकाकरण करने का लक्ष्य है। संख्या मरीजों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपील आपके द्वारा? हाँ, संख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोगों में सावधानी नहीं कर पा रहे, सावधान नहीं हो पा रहे हैं। लोग इधर उधर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। हमें उनसे अपील है कि जब भी बाहर जाएं तो मास्क जरूर अपना लगाएं और ज़रूरी है तभी बाहर जाएं, नहीं तो अपने घरों में रहें। इधर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, लोगों को सबको इन्फेक्ट होने की संभावना है, तो ज़रूरी है तभी वो बाहर जाएं, अन्यथा घर पे ही रहें और किसी भी भीड़भाड़ इलाके में बिल्कुल ना जाएं।